व्हाट्सअप गाइस, फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारा जो स्टॉक मार्केट अड्डा में। दोस्तों बात करने वाला है टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड के बारे में। दोस्तों ये जो कंपनी व्हीकल में काम करता है, आप देख सकते हो इस तरह का व्हीकल कंपनी बनाता है, ठीक है। तो इनका जो बिजनेस है ग्रोइंग वाला बिजनेस है। और दोस्तों अभी हम लोग ये शेयर कितने में मिल रहा है, 1068 रुपये में। इसका नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, फंडामेंटल कैसा है, फंडामेंटल अगर स्ट्रांग रहेगा शेयर ऊपर जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा तो शेयर नीचे गिरेगा। आज की डेट में डाउनफॉल है। अगर मैं आपको 5 ईयर की सॉरी 5 डे की चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा, डाउनफॉल है, 1 मंथ में अच्छा रिटर्न है, 6 महीने में 64% की शानदार रिटर्न दिया है। दोस्तों मैं पिछले टाइम जब वीडियो बना रहा था ये शेयर बहुत ही नीचे था, मतलब कि 1000 तक भी नहीं आया था। मैं बहुत टाइम में आपको बोला था ये शेयर का जो टारगेट है 1100 रुपये का है, तो हमारा टारगेट देखिए अचीव होने के लिए जा रहा है। अभी जो हमारा टारगेट है वो है दोस्तों 1200, यानी 1200 रुपये का टारगेट है। क्या ये रिटर्न दे सकता है 1200 रुपये, ठीक है। 64% की अच्छा रिटर्न कंपनी यहाँ पर दिया है, 8% की रिटर्न दिया है 6 महीने में। अगर 5 ईयर की चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा तो कोविड के टाइम में सर 252 रुपये में मिल रहा था, और 252 से आज देखिए कहाँ पर है, 52% की अच्छा रिटर्न में। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देखोगे 9400% की अच्छा रिटर्न दिया है कंपनी। ऑल टाइम हाई पे अभी चल रहा है, 11 रुपये करके लिस्टिंग होता 2000 में, और आज देखिए भाई कहाँ पर है शेयर। हमारा टारगेट 1200 का है, क्या इस शेयर जा पाएगा। अगर हम लोग एनएसई के डाटा देखेंगे 22 साल अच्छे तरीके से हो रहा है, 33% की माल उठाया गया है। और दोस्तों 1096 रुपया इसका हाई है, 513 लो है। और दोस्तों आप देखोगे तो जुलाई को रिजल्ट फाउंड रेसिंग किया था, और रिजल्ट जुलाई को ही आया था, रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था, सॉरी रिजल्ट अच्छा था। और प्रमोटर होल्डिंग आप देखोगे यहाँ पर एक भी शेयर गिर भी नहीं है, कंपनी अच्छा डिविडेंड भी देता है। पूरा डिटेल्स में शेयर को देखेंगे तो बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टिंग है, 50,000 करोड़ का मार्केट कैप रखा है, स्टॉक भी सही है, बुक वैल्यू आप देख सकते हो, बुक वैल्यू से ऊपर शेयर मिल रहा है, हाई लो देख सकते हो। और दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाई लो और आरओसी आरओई ठीक है, स्टॉक पी भी सही है। दोस्तों आप देखोगे कर्जा कितना है, 15,000 करोड़ का, लेकिन रिजर्व उतना नहीं रखा है, लेकिन एसेट रखा है, वॉल्यूम अच्छा है, फ्री कैश नहीं है, प्रॉफिट में कंपनी चल रहा है, डिविडेंड अच्छा देता है, अर्निंग पर शेयर भी अच्छा है, नेटवर्थ अच्छा है कंपनी का। नीचे जाएंगे देखेंगे जो कंपनी ऑटोमोबाइल क्षेत्र में काम करता है, आईचर मोटर नंबर 1 पर है, 2nd नंबर पर ही आता है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखोगे ठीक ठाक हुआ है, और दोस्तों ऑपरेटर प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ है, नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ हुआ है, और ईयर वाइज देखोगे कारोबार ठीक ठाक हुआ है, ऑपरेटर प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ है, नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ हुआ है, और दोस्तों अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है, डिविडेंड पे आउट भी बढ़ा है। सेल ग्रोथ दोस्तों पॉजिटिव, प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव, सीज है पॉजिटिव, रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव। एसेट देखोगे एसेट में दोस्तों यहाँ पर हम लोग को ग्रोथ नजर आ रहा है, नेट कैश फ्लो यहाँ पर माइनस है। होल्डिंग देखोगे दोस्तों प्रमोटर यहाँ पर कितना रखा है, 50%, एफ आई वाले 9.85, डी आई वाले 30%, पब्लिक 8.60। तो इस सारा पैरामीटर को देखने के बाद अगर आप टीवीएस मोटर कंपनी को बाय करते हो तो 1200 रुपये का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ, पेशेंस दिखाओगे आराम से शेयर जा पाएगा। तो होप करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, पसंद आएगी दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।